प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सही से अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए फिर से आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एमटीएस और बिहार शिक्षक की बहाली को देखते हुए 20 शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आपके साथ मैं एम चक्रवर्ती एक बार फिर से आपके चैनल पर आपको स्वागत कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग टॉपिक 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो देखेंगे, साथ साथ देखेंगे भारतनाट्यम से जुड़े हुए सवाल। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, उससे जुड़े हुए कितने कलाकार हैं और कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो तमाम प्रश्नों को वीडियो को लास्ट में हम लोग देखेंगे। और सभी बच्चे, आप लोग जिनको वीडियो पसंद आ रहा हो, जो आप लगातार देख रहे हैं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के भी शेयर करना ना भूले। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज। और जिनका भी बिहार पुलिस खास करके एमटीएस है, बिहार दरोगा जो आगे जो देने वाले हैं, और बिहार शिक्षक, उस सभी के लिए बेहतरीन है मौका, ठीक है ना। तो मौका कम से कम 5 से 10 मिनट में इसको गंवाना नहीं है, कम से कम इसको अवसर के रूप में आप लोग देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल कहता है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, पलासी का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ है। तो पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल, कहाँ, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। पूछेगा किस नदी के तट पर हुआ था, तो भागीरथी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में पलासी का मैदान है। और पलासी का युद्ध पूछेगा कब हुआ, तो याद रखिएगा 23 जून 1757, 23 जून 1757 पलासी के युद्ध में जीत किसका होता है, तो अंग्रेजों का। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पलासी पड़ता है। पूछेगा किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी को ही हम गंगा नदी भी कहते हैं। कब हुआ, तो 23 जून 1757 को याद रखेंगे। और बक्सर का युद्ध याद रखेंगे 1764, बक्सर का युद्ध 1764। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होगा, तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किस प्रक्रिया, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। समुद्री शैवाल में होता है क्या होता है, तो आयोडाइड होगा। समुद्री शैवाल में क्या होगा, आयोडाइड होगा। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति का। और पादप में, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होगा, तो मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि पूछेगा, पीनियल ग्रंथि कहाँ है, तो मस्तिष्क में। बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होगा, तो द्रवों के प्रवाह पर। बर्नौली का प्रमेय पूछा जाएगा किस पर लागू होगा, द्रवों के प्रवाह पर। सोमनाथ ए मनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री, सोमनाथ ए मनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री के लेखक पूछेगा रोमिला थापर, कौन, रोमिला थापर। जिला परिषद का सचिव देखेंगे, पूछ रहा है आपसे, आसान क्वेश्चन है। जिला परिषद का जो सचिव होगा प्यारे विद्यार्थियों, किसका, जिला विकास पदाधिकारी का। जिला परिषद का सचिव कौन होता है, जिला विकास पदाधिकारी, जिला विकास पदाधिकारी। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में, करंट अफेयर का सवाल लिया गया है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो 67वां रैंक मिला है। कौन सा रैंक मिला, 67वां रैंक मिला है। अगला पॉइंट देखेंगे, 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल है ना 2023 का आयोजन कहां किया गया, 16वां विश्व ओलंपिक विशेष खेल 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो जर्मनी में। कहां किया गया, जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी पूछेगा तो बर्लिन, आप सभी जानते होंगे। चलते हैं अगला नंबर प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आज का 11वां नंबर सवाल क्या कहता है कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का, मेल का, ठीक है ना, वो कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। कौन करेगा, भारत। अक्टूबर महीने में इसका प्रारंभ होगा भारत में, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यात्रा शुरू करेगी, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यात्रा शुरू करेगी, तो जींद से करेगी, जो कि हरियाणा में है। जींद जो कि कहाँ है, हरियाणा में, याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल ये बन सकता है। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, 13वां नंबर,
भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चे, भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए जून 2023 में किस अभ्यास को आयोजित किया है, तो उसका नाम है रण विजय अभ्यास। याद रखेंगे, वायुसेना के द्वारा चालू किया गया रण विजय अभ्यास जून 2023 में किस लिए, लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाइएगा, तो 29 जून को, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 29 जून को मनाया गया। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आप लोग लिख सकते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, उष्णकटिबंधीय दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 29 जून को, ये भी याद रखेंगे। वाटर पोलो में आपसे पूछ रहा है कि कितने खिलाड़ी होंगे, तो वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में पूछेगा कितना खिलाड़ी, तो 7 याद रखेंगे, और सिर्फ पोलो कहेगा तो 4, सिर्फ पोलो कहेगा तो 4 याद रखेंगे, और वाटर पोलो में पूछ रहा है कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी आप याद रखेंगे। केलू चरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, केलू चरण महापात्र ओडिसी से, किससे, ओडिसी से, और इसमें आपको पता भी नहीं करना कि ओडिसी किस राज्य का, तो प्रश्न इसी में है, ओडिशा का, ओडिसी किस राज्य का, तो ओडिशा का। जैसे दो शास्त्रीय नृत्य आपको एकदम ऑटोमेटिक याद है, मणिपुरी पूछेगा कि, तो मणिपुर का, और ओडिसी तो ओडिशा का, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है, तो 14वें दलाई लामा का। नवरेह नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो नवरेह नृत्य का संबंध जम्मू कश्मीर से है, किस राज्य से, जम्मू कश्मीर से। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, और वो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने 2019 में, और 2019 में ही जम्मू कश्मीर से कौन सी अनुच्छेद को हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ह्वेन सोंग ने पल्लवों के किस राजधानी का भ्रमण किया था, ध्यान दीजिएगा, ह्वेन सोंग जो चीनी यात्री है, सर क्या पल्लवों के किस राजधानी का भ्रमण किया है, तो कांची का, किसका, कांची, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ह्वेन सोंग है जो कि भारत की यात्रा पर आता है और कांची का यात्रा करता है, चीन से आता, कहां से, चीन से, और पल्लवों की राजधानी कांची का क्या करेगा यात्रा, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में 642 ईस्वी। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि भरतनाट्यम से संबंधित प्रश्न को कैसे हल करें, कौन कौन उनके कलाकार होते हैं और कौन से फैक्ट उनके सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं भरतनाट्यम से। तो बढ़ते हम लोग आगे भरतनाट्यम से, ठीक है ना, जुड़े हुए सभी सवाल देख रहे हैं और सभी विद्यार्थी आप इसे ध्यान से देखिएगा, कोई भी परीक्षा हो इससे सवाल आपको जरूर रहना है, ठीक है। तो देखेंगे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का, तमिलनाडु का, कैसे याद रखेंगे, भारत है ना, भरतनाट्यम, त खत्म, अत से देखेंगे तमिलनाडु, यहाँ पर त अत से तमिलनाडु, भरतनाट्यम, त भरत, इसको संधि विच्छेद, त भरत जोड़ नाट्यम, तो त से तमिलनाडु याद रखेंगे। भरतनाट्यम एकल शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, एकल शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है और स्त्री, हम ये भी ध्यान रखेगा, भरतनाट्यम एकल स्त्री है ना नृत्य है जो उसके शास्त्रीय है, और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसमें एकल है, एक महिला डांस इसमें करेगी। पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी को जाता है, पुनर्जीवित करने का मतलब है कि इसको फिर से परंपरा में लाने का जो श्रेय जाता है वो कृष्ण अय्यर हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी, ये दोनों को जाता है। तो आपसे कह देगा कृष्ण अय्यर का संबंध किससे, तो भरतनाट्यम से, और रुक्मिणी देवी का भी संबंध किससे, तो भरतनाट्यम से, ये पुनर्जीवित करने में। अब प्रमुख कलाकार देखते हैं, सबसे पहले पद्म सुब्रमण्यम इसके कलाकार हैं, आपको 14 कलाकार ध्यान में रखना है, और अगर एक बार आप देखते हैं इसको देख लेते हैं, अगर बाय द वे ऑप्शन आएगा, मानते ही याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार आप इसको सही तरीके से देख लीजिएगा तो ऑप्शन आएगा तो आप वहां से चुन जरूर लीजिएगा। तो चलिए पहला है पद्म सुब्रमण्यम नाम है,
दूसरा है आलार मेलवल्ली, आलार मेलवल्ली। तीसरा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति में याद रखेंगे भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति हमेशा याद रखेंगे, पूछा हुआ एमटीएस में सवाल है, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी ये दोनों का शास्त्रीय नृत्य करती है। अनीता रत्नम, अनीता रत्नम, मृगनाली साराभाई, मृगनाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, देखेंगे दोनों साराभाई है तो ले लीजिएगा भरतनाट्यम में। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह काफ़ी फेमस कलाकार है, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, बैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, रोहिंटन कामा, ये सब नाम ऐसा है कि आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, बाला सरस्वती, कभी कभी बाला के पहले तंजौर भी लगा देता है, तंजौर बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती। और चौदह है कमला नारायण, कमला नारायण। तो ये सभी 14 जो कलाकार हैं किसके कलाकार हैं, भरतनाट्यम के। और यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखेंगे भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों के। तो भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ये हम लोग देखे भरतनाट्यम देख लिए, कुचिपुड़ी देख लिए, कल फिर हम लोग अगले जो कल का क्लास रहेगा उसमें किसी भी शास्त्रीय नृत्य को हम लोग देख लेंगे। एक एक दिन अगर प्रतिदिन कवर करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा, आप इसे याद करने में भी आपको सहूलियत मिलेगा। चलिए कुछ फैक्ट्स आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मांजुली उत्सव पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा, इस बार एमटीएस में पूछा था मांजुली उत्सव किस राज्य में, तो असम में। मांजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, असम में। अब मांजुली द्वीप भी है असम का, जो कि सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन, मांजुली, जो कि असम में है। तो मांजुली उत्सव मनाया जाएगा असम में, कहाँ मनाया जाएगा, असम में। और चार दिवसीय त्यौहार है, ये भी ध्यान रखिएगा, कि दिवसीय, चार दिवसीय त्यौहार है मांजुली, चार दिवसीय त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर से 24 नवंबर तक, प्रत्येक साल 21 नवंबर को चालू होगा और 24 नवंबर को समाप्त होगा। हर एक साल 21 नवंबर को शुरुआत होना है और 24 नवंबर को क्या होना है, समाप्त होना है। तो चार दिवसीय त्यौहार है, के दिवसीय, चार दिवसीय। और प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर से लेकर कितना नवंबर तक, 24 नवंबर तक मनाया जाता है। अब कुछ टेनिस खिलाड़ी आपके लेकर आए हैं जो कि कितने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं। सभी टेनिस खिलाड़ी तीन हैं जो सबसे ज़्यादा जीतने वाले में हैं। राफेल नडाल कितना, 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं। राफेल नडाल कितने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं, 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के। भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं, तो स्पेन के। दूसरा है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं और 21 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं। आपसे पूछेगा कि नोवाक जोकोविच 2023 तक कितने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं, तो 21 जीत चुके हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, तो 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं। राफेल नडाल 22, नोवाक जोकोविच 21 और रोजर फेडरर 20, रोजर फेडरर 20। अब देखेंगे राफेल नडाल कहाँ, स्पेन, नोवाक जोकोविच सर्बिया और रोजर फेडरर कहाँ का, स्विट्जरलैंड, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। तो बच्चों आज जो हम लोगों का जीके जेएस का श्रृंखला था उसको समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेहतर हो और आज आपका दिन शुभ हो। तो मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।